मैं डॉक्टर उर्मिल शाह सिम्स हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आपको कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के संबंध में कुछ जानकारी दूंगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने का हृदय रोग के साथ सीधा संबंध है और एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, और ये एक नियंत्रण में रख सकते हैं ऐसा रिस्क फैक्टर है। यदि हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करें तो डेफिनेटली हम हार्ट के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में दो तरीके से आता है। हम जो खुराक खाते हैं उसमें से जो फैट वाली चीज़ आती है, चर्बी वाली जो पदार्थ आते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और दूसरा, हमारा लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यत्वे दो प्रकार का होते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल जिसको खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो तो हमारे लिए नुकसानकारक है, और HDL कोलेस्ट्रॉल जिसकी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और जिसकी मात्रा जितनी अच्छी हो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल LDL जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जो दो तरीके से कम हो सकते हैं, उसमें रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज की आवश्यकता है, प्लस यदि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसकी दवाई भी आती है जिससे हम खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है रेगुलर एक्सरसाइज करें। यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में ध्यान रखते हैं और दवाइयाँ ज़रूरत पड़ने पर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका मतलब है कि हम हार्ट के प्रॉब्लम को भी महत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी ऐसी सलाह है कि उम्र 40 साल से ऊपर हो तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल का चेकिंग करवाना चाहिए, और यदि कोलेस्ट्रॉल स्पेशली LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका एक्सरसाइज, डाइट और ज़रूरत पड़ने पे दवाइयों से कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम हार्ट का प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।